अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। तो आज का सीन ये, आज हम आए हैं बारबेक्यू करने के लिए और ये बंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हम बंदे नहीं हैं, हम डंगर हैं। बारबेक्यू के आसम भाई कह रहे हैं मैं डंगर हूँ, बाकी इससे इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं आप अपनी रात के लिए इत्तफाक नहीं करते, वो सबसे बड़े डंगर हैं। अच्छा नहीं, तो अभी हम आए हैं बारबेक्यू के लिए, बड़े प्लान बना के आए थे, बड़ा सब कुछ। यूँ तो बड़े मजे का है, लेकिन ये है कि शाम का वक्त है, वहाँ मच्छर हो रहे थे, कीड़े बेशुमार इकट्ठे हुए हैं जो जिसम पे इसरा चाह रहे हैं कि सवाब का काम है। और ये हमने अपने सामान वगैरह रखे हैं, अभी स्टार्ट करना शुरू किया है, तो आपको अपने साथ साथ रखेंगे। हम चलाने लगे हैं कोयले, कोयलों पे इस कांटी के पैकेट में पेट्रोल डाला जाए, फौरन डाल दी जाए इस पे माचिस की तिली जला के। ये आग जल चुकी है, अब कोयले गर्म होंगे और फौरन फौरन हम पीछे रहना, यार पटाखा मारेगा। हम मार्ची पटाखा पर आइए ना, चलना इनको सुनो, चलो सपोर्ट और बाहर सब रुकना चाहिए उसको। और ये सामा पकड़ के खड़ा है, तिक्का बोटियां जो के ये डालते हैं, बर्थ अप रहने दो उसको, बोला है आपको बहुत नाटी हो रहे हो इस्लाम तुम इस वक्त। अब ये कोई नाटी होने का वक्त नहीं है, खाना चाना तैयार करने का वक्त है, कोयला गर्म हो जाए, इतनी देर सीखेंगे कि मार्केट में जाते हैं। तो चलें हम भी काम पे लगते हैं अब साथ साथ, तो सी यू। बहुत पिक्सल डाउन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लैश ऑन करना, मैं तेरा मक्खियां आएंगी। ओए होए होए होए, ये हमारे यूट्यूबर है मीरपुर आजाद कश्मीर के। जी जी, आग इधर जला रहे हैं और मच्छर आगे बैठ रहे हैं। ये यूट्यूबर के दोस्त आसम, ये यूट्यूबर हैं जो इनकी जिम में जिम लगाते हैं। आग बार बार बुझ रही है, आग हमें बाहर रखनी पड़ रही है बार बार। ये आग है और ये सीहे हैं, ये जल गया जी, ये दिखाओ, ये आग जल गई, हमें जलाई रखनी पड़ रही है, बुझ जाती है। और वो पीछे चांद है, वो पीछे मीरपुर शहर, पंखी हमारी दिखा दे कैसी है। ये हमारी पंखी है, बारबेक्यू होना वेरी वेरी कैलकुलेटेड बजट है यहाँ पर। ये चिकन है, और सामा कैसे हो? सामा की तो तब कभी चाल है सामा, कभी ट्रेड दम पर खाने जाएंगे तब बनाएंगे। अकल वाली बात की है सामने तुमने, ये धुआं उठ रहा है जो एक फोगी व्यू दे रहा है आसम भाई को। फोगी व्यू को देखा था, दे रहा है क्रेजी दिखा नहीं, बड़ा फिट आ रहा है यकीन कर। क्रेजी रख दो यहां पर थोड़ी देर, ओए क्रेजी क्रेजी चुप कर रहा है, क्रेजी ना लगना चाचा। बोटियां मुझे कम लग रही हैं, गिन के रखी थी चार। ओ यार वो खाते गिनेंगे थोड़ी। अच्छा ये पता क्या सीन हुआ, कोई तंदूर था ना, ठीक है, तंदूर में हमने कहा लगाएंगे किस तरह वो बोटियाँ, तो हमने हैंगर बना दिए, ठीक है, ये हैंगर बना दिए, एक सीधी बल्कि दो सीधी थी और बाकी के हैंगर लगा के लटका दिए तंदूर में, तंदूर के अंदर बनाए थे ना ना ऊपर छत पे। उसने पता क्या बोलना था, बाकी उसने गंदी गंदी गालियां निकालनी थी ना, ऐसी बातें करो, गंदी गालियां पड़नी थी। पोटा भी है, कौन खाएगा, पोटा भी चढ़ा देते हैं सीख में क्या। शाजी पता क्या, इसको ना मकाने में रखें, आप खोल लेते हैं। आसम भाई ठीक है, दो मुर्गे जब्बा करवाए थे या क्या सीन? दो मुर्गे ठीक है। वो आपके ग्रुप में तस्वीर भेजी थी, देखी थी, बहुत क्लियर है, नहीं सही है, किधर सही नहीं, सही नहीं है, मैं एडिट करके देता हूँ आपको, क्यों करके देना, इस तरह नहीं सही मेरा, इसको अब गुस्सा आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सीखे कम पड़ गई हैं और बोटियां भी बड़ी हुई हैं, बोटियां बहुत हैं, बहुत होने के बावजूद कम हो जाएंगी। जो पहला लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसको एक एक बोटी फ्री। वही ना डिक्की भाई कहना होता है,
ये हमने सब्सक्राइबर के लिए और जो कमेंट करेगा उसके लिए बोटियां रखी हैं और लाइक भी मार देना। हाँ ये देख ले, अपने अपनी बोटी उठा लें, ठीक है चाची। कोला जो है ना ये वाले जैसा, इनको थोड़ा सा ना एडजस्टेबल करें ताकि थोड़ी थोड़ी सीखें तैयार होने शुरू हो जाए। मुझे ना पहुंच चुके हैं बिल्कुल, बीच डाल दो बोटियां हमने लगा दी हैं, आग गरम कोयले गरम हो चुके हैं, ये हम बोटियां अपनी तैयार कर रहे हैं। ये अपने प्रोसेस के बिल्कुल दरमियान में पहुंच चुके हैं इस वक्त। ऑयल तो लगाए नहीं आपने, वो बाद में लगाएंगे, अभी खुश्क होगा ना बीच में जब वाटर खत्म हो जाएगा। वो वाली कोयले लाने वाली देना एक मिनट, वो ये चलिए उनको पीछे करो ना। अब ये देखें ना जैसा वो जल चुका है ना, इसको ये जो ये आदमी इसको इस डायरेक्शन में रखो या थोड़ा सा मार के इसको तोड़ो, ये टूटेगा जी, इसको मारो। ये हमारी टिक्का बोटियाँ हो गई हैं रेडी और ये सारे टूटते हुए तो खा लें खाने के बाद ही फिर ठीक है। ये क्या कर दिया सामा, कोई नहीं हो जाता, सामा को पसंद नहीं है। So that's it for the video guys, catch you in the next one, until then Allah Hafiz.